सुषमा यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते इस वक्त की खास खबरों का। देश की सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया गया। इस योजना के ऐलान के बाद ही इसका भारी विरोध हो रहा है। वहीं अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हालत के मुताबिक बदलाव जरूरी है। अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है। भारत के आसपास के हालत बदल रहे हैं और अब चुनौतियां भी लगातार बदल रही हैं। जो हम कल कर रहे थे वो आगे भी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी जब सत्ता में आए थे उनकी प्राथमिकता थी हम कैसे सुरक्षित रहें। सेना में भी सभी के साथ बदलाव जरूरी है। खबर कुशीनगर से है, जहां केंद्रीय मंत्री और जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थल प्रांगण में योगाभ्यास किया और लोगों को योग से रहने होने वाले फायदे के बारे में बताया और कहा कि स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग को जीवन में अपनाना जरूरी है। तन और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके शरीर को रोग मुक्त बनाया जा सकता है। खबर कानपुर से है, जहां लोग उस वक्त दंग रह गए जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को एक ठेले में ब्रेड पर मक्खन खाते हुए लगाते हुए देखा। पहले तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था यह विधानसभा अध्यक्ष जी हैं और खुद ठेले पर खड़े होकर ब्रेड मक्खन लगा रहे हैं। इसकी खबर होती है आसपास के दुकान पर लोगों का हुजूम उमड़ गया और लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। खबर बहराइच से है, जहां 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर बहराइच के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में वन राज्य मंत्री पहुंचे और स्वस्थ रहने। एक तो सर्वप्रथम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा आप सबके माध्यम से कि उन्होंने हमें स्वस्थ रहने की एक अच्छी परंपरा इस देश पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में डालने का काम किया, जिसके लिए मैं बार बार उनका आभार व्यक्त करता हूँ जनता और आप सबकी तरफ से। भारत के यशस्वी और जन जन के प्रिय परम श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्धि मिली है। उसको पुराना जो हमारा भारत का स्थान था वो मिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों का प्रत्येक जनपद का एक लक्ष्य रखा था। 6 लाख का लक्ष्य जनपद बहराइच का भी था। आप देख सकते हैं लगातार हम लोग एक पखवाड़े से इस कार्यक्रम। खबर प्रतापगढ़ से है, जो 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुड मॉर्निंग योग क्लब द्वारा अटल वाटिका बाबगंज में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भारी संख्या में योगा कार्यक्रम में भाग लिया। परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आज पूरे देश भर में कई स्थानों पर विभिन्न स्थानों पर योगा का कार्यक्रम संपन्न हुआ शासन प्रशासन के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भी प्रतापगढ़ जनपद में लगभग 500 स्थानों पर प्रतापगढ़ के सभी भाजपा के कार्यकर्ता अपने अपने स्थान पर 120-150 ऐसे लोगों के साथ योगाभ्यास किए। आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ बधाई। योग मन को अनुशासित करता है, शरीर निरोगी बनाता है, एकाग्रता बढ़ाता है। योग के द्वारा आंतरिक ज्ञानी शक्तियों का विकास होता है। योग ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जागृत करता है। योग जीवन को समग्रता। खबर गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से है, जहां थाना पुलिस ने अपनी महिला लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद फरार चल रहे हत्यारोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बता दें हत्या करीब 3 साल पहले की गई थी, जिसके बाद हत्यारोपी फरार चल रहा था। वहीं पुलिस ने इसके आरोपी को ढूंढने वाले पर 20,000 का इनाम भी रखा हुआ था, जिसके चलते लोनी बॉर्डर थाना पुलिस और एसओजी देहात ने कार्रवाई कर मुखबिर की सूचना पर हत्यारोपी को धर दबोचा। 2019 जुलाई में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक महिला का शव मिला था। तो प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत हुआ था कि जो महिला है, जो जानकारी हुई थी कि ये अपने पति के साथ यहाँ पर रहती थी, तो उस मामले में दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था।
लेकिन जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए। इसमें ये पता चला कि इसमें जो इसकी हत्या की गई थी और ये जो व्यक्ति था जिसके साथ ये रहती थी महिला, इसका नाम धनराज है और ये इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, ये पति पत्नी नहीं थे। तो इसी में इन दोनों की कुछ कहा सुनी हुई किसी बात को लेकर, और इसने महिला के ऊपर डीजल डाल के उसको जला दिया। खबर अलीगढ़ से है, जो अग्निपथ योजना के विरोध में टप्पल क्षेत्र में हुए हिंसक घटना के बाद पुलिस अलर्ट है। वही टप्पल में हुई हिंसा के बाद अब तक पुलिस 118 लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है, जिसके चलते खेरेश्वर चौराहे पर भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं पुलिस बल के साथ मौजूद आला अधिकारी के दिशा निर्देशन पर इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की और ड्रोन कैमरे से इलाके में निगरानी की गई। आज जो सेना भर्ती संबंधी के संबंध में पुलिस ने अपनी निगरानी सभी स्थानों पर लगाई थी, उसी संबंध में प्रदर्शन को रोकते हुए या कोई इस प्रकार का घटना ना हो इसकी निगरानी हेतु ड्रोन से भी खैरेश्वर चौराहे के पास उड़ाया गया था और आसपास के एरिया में और लोधा के जो ग्रामीण क्षेत्र है उन पे भी निगरानी की गई, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट हो उस संबंध में। तो उसी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बाल श्रम की बढ़ती समस्या के विरुद्ध बचपन बचाओ आंदोलन के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के निर्देश में संयुक्त टीम का गठन किया गया, जिसमें श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पुलिस के संयुक्त अभियान में विभिन्न क्षेत्रों में सघन रूप से बाल श्रम उन्मूलन अभियान का संचालन किया गया। इस दौरान जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी और कांस्टेबल के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। खबर बिजनौर से है, जहां दूषित खाना खाने से एक ही परिवार के 6 लोगों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें आनंद फादर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 2 की हालत चिंताजनक देखते हुए उसे इलाज के लिए मेरठ रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान मां और बेटी की मौत हो गई। वहीं परिवार के बाकी सदस्यों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दाल चावल खाए कर आराम सोए, लगभग 2.5-3 घंटे के बाद में लैट्रिन और उल्टी चालू हुई। कितने लोग? जितने घर में सदस्य 6 थे, 6 के 6 हो गई, ये काम हुआ। जब से जो है बदतर लग रही है, अभी तक कोई बच्चा ठीक नहीं। कितने लोगों की मौत हो गई अब तक? 2 की। और कितने लोग भर्ती हुए थे यहाँ? 6। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर की सांसद मेनिका संजय गांधी ने आज अपने 3 दिवसीय सुल्तानपुर दौरे के अंतिम दिन 100 दिव्यांगों को मोटर राइज ट्राइसाइकिल का वितरण किया। इस दौरान समारोह में सुल्तानपुर विधायक विनोद सिंह के साथ मुख्य चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर डीके त्रिपाठी मौजूद रहे। अब तक की खास खबरों में इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।